सो गुड मॉर्निंग, और हम लोग जा रहे हैं ईशा योगा सेंटर। कल रात को हम लोगों को उसके पास में रूम नहीं मिला था, तो हम लोगों को 36 किलोमीटर दूर आके यहाँ पे रुकना पड़ा था। और अभी जाकर के सद्गुरु के साथ फ्लैग होस्टिंग करेंगे। सुबह सुबह फ्लावर लिए जा रहे हैं दिव्या के लिए। तो हम लोग पहुंच गए हैं सद्गुरु के आश्रम। सुबह सुबह तो पूरा फॉग दिख रहा है, पीछे पूरा बादल काफ़ी नीचे है पहाड़ों के। तो हम लोग घूम रहे हैं आदि योगी के पास। इसको चश्मा ही चाहिए। अच्छा, इस ब्लॉग का कुछ करेगा। पीस, इक्वालिटी, अ पार्टनरशिप बिटवीन पीपल एंड रेसेस। इंडिया वाज चले, चले देशभक्तों, चले। हेलो, और अब टाइम है कोयंबटूर से वापस जाने का। शुद्ध साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट, बहुत ही बढ़िया। इतना सारा चीज़ें जो है सन्नी खा रहा है। सदगुरु के आश्रम से आते समय ये हम लोग एक कैफ़े में रुके हैं। अच्छा कैफ़े है, नीट एंड क्लीन, चाय भी थी। यहाँ पे दर्शन करने आए थे और यहाँ पे सनी ने क्लीनिंग शुरू कर दी है मंदिर में, सफाई अभियान। वाह सनी दिव्या, बहुत बढ़िया। और ये लोग पूरा यहाँ पे चमका रहे हैं मंदिर को, एकदम बहुत अच्छे। तो यहाँ पे एक टीम सफाई कर रही है सनी और दिव्या की। हम लोग सामने कैफे में बैठ के वेट कर रहे थे और ये लोग यहाँ आए थे दर्शन करने के लिए। नाडू का मंदिर है जहाँ पे पूरी सफाई चल रही है। यहाँ पे कोई फंक्शन था जो हो चुका है, सारे लोग बैठ के यहाँ पे सफाई कर रहे हैं। पुराना प्राचीन तमिलनाडु का टेंपल जिसमें क्लीनिंग चल रही है, और ठीक इसके अपोजिट कैफे में हम लोग बैठे हुए। सो मट्टू पलियम के पहले हम लोगों ने ब्रेक लिया है और सनी को दिख गया था होटल। और ये मेरा भी थाली आ गया नॉनवेज का। ये राइस ऐसे ऊपर रखा हुआ है, हाउसकीपिंग है क्या? और इसके नीचे पूरा खाने पीने का सामान। क्या रास्ता है उठी का। ये देखो पेड़ की जटाएं लटकी हुई हैं, सारी देख रहा है, ऐसा लग रहा है जंगल में आ गए। बहुत ही क्लोज है ना, बहुत मतलब स्टीप। ये देखो कितना एकदम खड़ा रास्ता दिख रहा है। मैं कोटी पहली बार आ रहा हूँ, बट सही में जबरदस्त। ये रास्ते इतने टेढ़े मेढ़े हैं, लग रहा है कि हम फॉर्मूला वन का रेस कर रहे हैं। तो ये हम लोग चेक पोस्ट पे आ गए। कोटा की सर वो पुल कितना है? बोल
कितना था टोला से? 30 रुपीज का था टोल सर। अच्छा तो हम ये चार जगह घूमने वाले हैं। हाँ, बोटेनिकल गार्डन, बोट हाउस, पायकारा और सन्नी यहाँ पे भयंकर टाइप की ब्लॉगिंग कर रहे हैं। कुछ कहना चाहोगे तुम ऑडियंस को? खुद को बोलो। इनको चाहिए। और ये है ऊटी की फेमस चाय। हाँ। पीछे है बगान और हाथ में है चाय। ये रोड बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रही है। तो सन्नी भाई हमें चाय के बारे में बताएंगे, चाय कैसी लगी? चाय बहुत ही अच्छी है। और दिव्या का कहना है कि चाय कड़वी है। जो हमें चाय मिलती है ना, उस टाइप की बिल्कुल नहीं है, अलग टेस्ट है, बिल्कुल अलग टेस्ट है। मेरे थोड़ा अजीब लगा, कड़वा कड़वा, पर ठीक है, अभी अच्छी लग रही है। इस जंगल के रास्ते की बात हो रही थी, ये कहां तक जाता है? विल ट्राई। ओहो, तो बहुत ही सुंदर रास्ता है। वाह दिव्या, पहली बार आई हो टी बागान में? ये टी के पत्ते हैं। और क्या, ये चाय के पत्ते हैं। अरे आशीष, वो कह रहा था काफी स्लिप होता है इधर, आराम से चलना। कोई नहीं, ये पूरा कुछ ऐसा रास्ता है ऊपर जाने का। तो नीचे से काफी सारा ट्रैक करके हम लोग आ गए ऊपर, और ऊपर से व्यू तो अल्टीमेट दिख रहा है। ये बहुत ही जबरदस्त नजारा है यहाँ पे। तो ये है व्यू। कितना घना जंगल है ये नीचे, वो रास्ता दिख रहा है नीचे। तो सामने जो यहाँ पे रास्ता दिख रहा है, हम उस रास्ते से गाड़ी चलाते हुए ऊपर चलते आए हैं और अभी तक ऊपर ही चढ़ रहे हैं। और वहाँ वो पानी और शहर दिख रहा है, उधर पहाड़ों के पीछे से आ रहे हैं हम लोग, उधर से ऐसे गाड़ी चढ़ाते हुए चढ़ते हुए। ये बायसन यहाँ पे पूरा घास खा रहा है। काफी दूर आने के बाद एक हमने छोटा सा ब्रेक लिया है और इधर हमारी कार खड़ी है और उसके बगल में जो नजारा है वो बिल्कुल ही अलग है। और यहाँ पे क्लाइमेट बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल ठंडी है। ये है असली ऊटी, दिख रहा है। अभी तक ऊटी पहुंचे नहीं है बट बहुत ही ठंडा है। मतलब जो कोयम्बतूर में था 32 डिग्री, अब हो चुका है 22 डिग्री। वाह सनी, 10 डिग्री का ड्रॉप सिर्फ एक घंटे के अंदर। और ठंडी भी लग रही है। हाँ, मुझे भी लग रही है। ये भारत में बहुत ही बड़ा ये पेड़ है, मोटा सा। दिव्या को देख के अंदाजा लग रहा होगा कि पेड़ ये कितना बड़ा है, कितना मोटा है। ये ऊटी का व्यू। अभी हम सिर्फ और 20 किलोमीटर दूर है ऊटी से, और अभी ड्राइवर चेंज हो गया है। जस्ट हमने स्टॉप लिया था ड्राइवर चेंज करने के लिए, क्योंकि सन्नी वीडियो बनाने में असमर्थ थे, तो फिर मुझे ड्राइवर सीट को छोड़ना पड़ा। अब सन्नी गाड़ी चला रहे हैं और डोडा बेटा पीक हम लोग ऑन द वे हैं। तो हम लोग पहुंच रहे हैं डोडा बेटा पीक, और जैसा टेम्परेचर है इस समय गाड़ी में दिखा रहा है 15 डिग्री, तो लगभग हाफ से भी कम टेम्परेचर हो गया है जो कि कोयम्बटूर में था। 52 से 15 डिग्री डेढ़ घंटे में। ये देखो भार्गव, पूरा बादल है। तो हम लोग तो बादल में आ गए हैं, बिल्कुल क्लाउड है यहाँ पे।